हनुमान जी का द्वार सज चुका है, नगारे बज चुके हैं। जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण की प्रतीक्षा था, आज आभार व्यक्त करता हूं पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का। आज धन्यवाद व्यक्त करता हूं हमारे परम पिता ठाकुर जी महाबली हनुमान का, और इनके जो दो सेवक हैं मोदी जी और योगी जी, इनको कोट कोट साधुवाद करता हूं। ये संभव हो पा रहा है, संभव नहीं था। हमने वो दिन देखे हैं, लाठियां भी खाई है, दुदकारे भी लोगों की सही है। इसी जगह पर जहां पर आप खड़े हो, यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, 9 मुकदमे खाया, 2 महीने जेल में रहा, ये भी दिन देखा है। आज ये भी दिन देख रहे हैं इसी जगह पर, सुंदर सरकार के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं। ये उत्सव है, हम लोग प्रसन्नचित हैं, उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, और हर व्यक्ति राम में है। आज से भारत हिंदू राष्ट्र सनातन संस्कृति की ओर पहला कदम रखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा ये मामूली बात है क्या? वह पल, वह क्षण, उस अवसर का हर व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था कि वहां पर मंदिर का निर्माण हो। प्राण प्रतिष्ठा में जाना है कि नहीं जाना, इसका कोई लेना देना नहीं है। मंदिर तो हमारी ही थी, हनुमानगढ़ी के द्वारा बाबा पूज अभिराम दास जी महाराज 1949 से लेकर बाबा धर्मदास जी मुकदमा लड़ने से लेकर, और अभी भी पूज आचार्य सत्यन दास जी महाराज वहाँ के मुख्य पुजारी है। फिर भी इसके लिए थोड़े न कि हमको मंदिर चाहिए, हमको अंदर चाहिए। भाव ये है कि मंदिर का निर्माण कल्पना किसी ने नहीं किया था, वो साकार हो रहा है। तो आभार व्यक्त करता हूँ, और हम लोग उत्साहित हैं, प्रसन्नचित हैं, मन गदगद है। और जब हम लोग उस जगह पर बैठेंगे तो भाव दूसरी होगी, और बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी सनातनी, सभी राम भक्त और 140 करोड़ देशवासी से अपील करना चाहूंगा। फतवा नहीं, फतवा उनके होता, यहाँ निवेदन होता है, करबद्ध प्रार्थना होता है, अपील होता है। अपने अपने घरों में जरूर पाठ करें, आरती करें, पूजन करें, प्रसाद वितरित करें, और प्रोजेक्टर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल के माध्यम से जरूर वहाँ प्रसारण हो, उसको देखें। शाम को जरूर 5 दिए जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ, भगवान पूरा विश्व का कल्याण करें।